मेरा आप ला लो जी मेरे वीरों अज आप बनावांगे चिकन। सो वीडियो नू एंड तक देखियो सारे, जे वधिया लगूगी सबसक्राइब कर दियो चैनल। देखो जी मुर्गा वड़दे पे आ, लो जी 4 किलो आप ले लिया है चिकन। तो हूँ आप जावे वापस होस्टल च। लो जी होस्टल से आ गए हैं वापस। लो मेरे वीडियो प्याज कटन लगे आप। दिल्ली वेला गल्ला लाउंदा ही तेरे दिल्ली में बाल मैं लगाऊंगा फिर एक आगा बंदा फराओ चंगा लगता मैं जाके पै जाना जिन्नी चेर चाहिए वा उन्नी चाहिए मैं सारे कर देनी लिया फटाफट ओ भाई बोले पिक्चर चाहिए पिक्चर चाहिए तैयार हो गए अपने। यार नहीं नहीं गाइस भाई ओ सो बुल्लर छाप ला लिया बुल्लर देखो जी लगता ना एक कोई यार। लो जी मेरे वीरो मसाला साडा हो गया रेडी। सो देख सकते हैं हूँ अग बालेंगे। अरे अग तो जला लेने देता यार तू पहली वीडियो बना रहा है। नहीं नहीं सर मैं शुरू तो ही बना रहा जब तू आप बढ़िया ना मुर्गा। अरे उदो तो ही ब्लॉग बना ना सर मैं तेरी तो लाइक कर दियो जी सारे। हाँ जी चूल्हा तैयार कर दे ਤੂੰ ਦੇਖੀ ਜਦ ਜਦੋਂ ਘਾਹ ਸੁੱਕਿਆ ਤੇ ਦੀਵੇ ਹੀ ਤਾਂ ਤੇਲ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਤੇਲ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਰ ਕਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬਰਾ ਲੋ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ ਹੁਣ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅੱਗ ਬੜਨ ਲੱਗੀ ਆ ये आज हम बना रहे हैं जी चिकन। तो शुरुआत में सबसे पहले जैसे हमें सिखाया जाता है कि प्रार्थना से शुरू करें हर बात को, तो आइए हम छोटी सी दुआ करेंगे। स्वर्ग पिता आज हम जो भी ये काम शुरू कर रहे हैं खुदावन कुछ खाने पीने वाली वस्तु को बना जा रहे हैं,
हमारे हाथों को ब्लेस करें, आशीषित करें, जितनी चीज़ें हमने तैयार की हैं उन सबको ब्लेस करें, आशीषित करें, ताकि जब हम उसको खाएं वो हमारे लिए आशीष को लेकर के आएँ और किसी भी प्रकार से कोई भी गड़बड़ी ना हो। खुदावंद यीशु आपका फजल, आपकी कृपा हम पर बना रहे और ये मसालों को, चिकन को, हर चीज़ को ब्लेस करें, आशीषित करें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा बैठना, इकट्ठे होना एक आशीष और बरकत का कारण बने। खुदावंद यीशु मसीह के पवित्र और मधुर नाम में आमीन। थैंक यू। लीजिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम डालेंगे चिकन में मसाला। ये भाई पंकज मसाला इसमें डाल दें धीरे धीरे। लो मुझे धीरे में डाल देता हूँ, कोई बात नहीं। लो जी हम लाल मिर्च पान लगे हैं। ये पकड़ा मैं देखता हूँ कैसे लाल मिर्ची है। हल्दी दे देंगे देवी मिर्च हूँ तो नहीं आग सर। नहीं दाने दाने में मतलब थोड़ी टेस्ट के लिए डालेंगे, क्योंकि ज़्यादा लाल मिर्च इस्तेमाल में लाना सही बात नहीं होती। ठीक है, ये लाल मिर्च है। मेरे सवेरे पता लगेगा। हाँ नहीं वो नहीं वो मतलब स्वाद अनुसार डालें। हल्दी हल्दी दे जल्दी दे तो थोड़े हाथ से भी पाने होंगे। हाँ ये तो है जी, ज़रूरी है इसके बिना तो। थोड़ा सस्पेंस भी रखना। ये हल्दी थोड़ी सी लेंगे और साथ में नमक भी लेंगे। इस तरह पकड़ी है ये देखती हूँ। पंकज भाई हेल्प कर रहा है, बार बार दो चीज़ मांग रहे हैं, पकड़ा रहा है। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से बाद में भी डल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या पकड़ा रहा है? अरे नमक ला कर रहा है। वीडियो बड़ी सही बनी मेरी। कर दे वो ये गार्लिक पेस्ट भी है। जब मसाला लाल हो जाए ना थोड़ा सा, उसके बाद गार्लिक पेस्ट भी डालते हैं। तो अब टेस्ट बनेगा, खा के बाद में पता खा के पता लगेगा, खा के पता चलेगा। आज हमारे क्या अच्छा फ्लैश लाइट ऑन रखो एक जना इन्होंने बनाया पे वो भाई। वो कौन सी फिल्म है पेटा वीर? लो जी मेरे वीरो, चिकन भी आ गया 4 किलो। 4 किलो चिकन थोड़ा थोड़ा चिकन की बात हो रही है। 4 किलो और डाल दे सारा डाल दे, कोई बात नहीं है। मसाला जो है वो पक गया है। इसको थोड़ा सा मतलब गाढ़ी ग्रेवी इसलिए किया जाता है ताकि जब चिकन इसमें डाले तो उसमें मिक्स हो जाए सारा सारा आपस में घुल मिल जाए, क्योंकि मसाला ड्राई रहेगा। तो अगर मसाला ड्राई रहेगा ना तो चिकन उसमें मिक्स नहीं होगा। अब इससे थोड़ा सा इसको गर्म होगा, ये थोड़ा सा हमें बताएगा, सेक के साथ बुलबुले से निकलेंगे, आवाज़ भी करेगा, फिर इसमें हम चिकन डालेंगे। मसाला भी बिल्कुल पक चुका है, पलट दे अब सारा। नहीं सर पानी नहीं चाहिए, पलट दूँगा। अच्छा हड्डी चिकन के बारे में बताएंगे हमारे पंकज सर जी। हड्डी चिकन क्या होता है? इसको मिक्स करने का टाइम और जो यहाँ पर जो फूल लेकर बैठा हुआ है वो एक नंबर का यूट्यूब में इनके कितने फॉलोवर है भाई? कितना सब्सक्राइबर है इसके? आपके बाद लेके जो लो जी मेरे वीर हूं चिकन नु आपा 20-25 मिनट ऐदा ही रखना। हां जी सर। हां जी बात कर रहा था हमारा एक भाई की, यार टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। हां बंदा कह रहा है नहीं कोई बात नहीं, कोई भी कहता नहीं दिखा रही है याददार। लेकिन एक चीज मैं बोल रहा था यही है वो आदमी कि बस तुम लोग ये देखो कि अभी समय क्या चल रहा है, टाइम क्या है। डजंट मैटर कि कितना समय लगेगा, खाते खाते क्या टाइम हो जाएगा,
लेकिन तुम लोग इस चीज़ को, ये हमारी एक मेमोरी बन जाएगी, है ना, एक यादगारी होगी कि ये आग जलाई है, चूल्हा बनाया ईंटों के साथ और उस पर कढ़ाई रखी हुई है, बीच में चिकन की सब्जी बन रही है और हम लोग वेट कर रहे हैं कब बनेगा, कब खाएंगे। सो तो हमने जाना ही है, कल भी परसों भी, लेकिन आज इन सब चीज़ों को याद करेंगे, ठीक है? नहीं बिल्कुल बिल्कुल सर, ये समय जो है याद रखेंगे। नहीं वो बोला तो उसने ये सर, वो थोड़ा सा वो निकल जाके ये बन चुका है, लेकिन अभी इसके जो ग्रेवी है ना, इसको थोड़ा सा और सुखा लेते हैं। लो जी चिकन हो गया। धन्यवाद प्रभु इस खाने की वस्तु के लिए, चिकन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, और आज शुक्रगुजार हैं ये आपने समय दिया कि हम एक साथ बैठकर आज साथ में भोज करें। परमेश्वर इस खाने को आप ब्लेस करें, आज इस्तेमाल करें, एक जन को छुए आशीषित करें। खुदावंद यीशु मसीह के पवित्र और मधुर नाम में आमीन। चल बेचा रही तू आप पहले, बहुत इंतज़ार किया है। नावेल आप प्लेटें पकड़ो, तरी भी संगने का था काम ने। रोटी तो गर्म कर लो पहले। चल नहीं हम चिकन गर्म है, रोटियां ना पूरी ठंडी कर लेगा। वो गुस्से रहने दे गुस्से। छोड़ दे, चलो जी गाइस मिलते हैं अगले ब्लॉग।